सेवा साधना ग्राम विकास केंद्र के इस दिव्य परिसर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। संघ के स्वयंसेवकों ने श्री माधव जनसेवा न्यास के माध्यम से यह सेवा साधना ग्राम विकास केंद्र की शुरुआत की है। मुख्यतः इसमें ग्रामीण विकास के दृष्टि से किसानों को और युवकों को कौशल विकास खेती के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ पर अस्पताल, पुस्तकालय, विशाल खेल परिसर, कौशल विकास केंद्र, योग साधना केंद्र, जैविक व जीरो बजट खेती, नशा मुक्ति, न्याय चौपाल जैसे प्रकल्प संचालित होंगे। तभी इसके आरंभ हुआ है, धीरे धीरे कभी आप समय लेकर ये सारा परिसर भी देखने के लिए आइएगा। संघ की जो अखिल भारतीय प्रमुख बैठक होती है, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो साल में एक बार मार्च में होती है, इसके बारे में आपको वैसे दो दिन पहले जानकारी मिली है। तो सारे देश से संघ के प्रतिनिधि सक्रिय स्वयंसेवकों में से पहले प्रांत प्रतिनिधि और उनमें से अखिल भारतीय प्रतिनिधि चुने जाते हैं हर तीन साल के लिए। ये प्रतिनिधि सरकारी सभा का चुनाव भी करते हैं। ये प्रतिनिधि सभा संघ की सर्वोच्च निर्णय करने वाला यूनिट है। यह बैठक तीन दिन चलेगी। वार्षिक अहवाल भी सरकारी वहाँ यहाँ प्रस्तुत करते हैं, आप सबको उसकी कॉपी मिलेगी। एक साल भर का लेखा जोखा होता है। संघ के शाखा की स्ट्रेंथ, संघ कार्य की स्ट्रेंथ हम लोग चार पद्धति से मेजर करते हैं। एक, कितने स्थानों में संघ कार्य है, दैनिक शाखा चलते ऐसे कितने स्थान हैं, ये स्थानों में वृद्धि हो यह प्रयास होता है। एक स्थान पर तीन चार पाँच दस बारह शाखाएं भी हो सकती है, ऐसी शाखाएं कितनी हैं। जहाँ पर शाखा शुरू होने के लिए अभी तैयारी नहीं है, वहाँ सप्ताह में एक बार शाखा के माध्यम से लोग एकत्र आते हैं। शाखा आपने देखी होगी, लेकिन शाखा इज़ ए प्रोग्राम टू इनकलकेट सम कलेक्टिव क्वालिटीज एंड टू प्रैक्टिस सम क्वालिटीज कलेक्टिवली। सारा भारत का सारा समाज एक है, सब समान है, सब मेरे अपने हैं और मुझे समाज के लिए कुछ देना है, इसकी अनुभूति या संस्कार शाखा के माध्यम से होता है। और बौद्धिक स्तर पर इसको जानने के बाद भी इसका नियमित अभ्यास भी आवश्यक है, इसलिए दैनंदिन शाखा में जाने का एक आग्रह होता है। ऐसे सप्ताह में एक बार एकत्र आने वाले उनको साप्ताहिक मिलन केंद्र कहते हैं। और जहाँ पर इसकी भी संभावना नहीं है, शुरुआत करनी है, कम से कम महीने में एक बार स्वयंसेवक कार्यकर्ता गाँव में जाकर वहाँ के लोगों को इकट्ठा करते हैं, कुछ सामाजिक विषयों की चर्चा करते हैं, एक राष्ट्रीय सामाजिक विषय। तो ऐसे एक शाखा स्थान, शाखाएं, साप्ताहिक मिलन और हर महीने एक बार मिलने वाले को संघ मंडली कहते हैं। अभी वर्तमान जो स्थिति है ऐसी है कि ऐसे 42,613 स्थानों में दैनिक शाखाएं चल रही है। इसमें शाखाओं की संख्या 68,651 है। साप्ताहिक मिलन की संख्या 26,877 है। जिनको संघ मंडली कहती है उनकी संख्या 10,412। लास्ट ईयर की तुलना में प्रत्येक इसमें वृद्धि हुई है। आपको जो प्रतिवेदन मिलेगा यह उसमें उसका चार्ट दिया हुआ है। लेकिन विशेष जो नोटेबल बात ऐसी है कि 1920 के मार्च के बाद पैंडेमिक कारण सारा काम करीब ठप हो गया था। उसके बाद फिर से उसको ट्रैक पर लाने में हमारे कार्यकर्ता सफल हुए हैं। पैंडेमिक में 5.5 लाख स्वयंसेवकों ने लोगों की सेवाएं की है और ये जानलेवा खतरा होने के बावजूद स्वयंसेवक बाहर निकले हैं। और उसके बाद स्वयंसेवकों ने प्रयत्न करते हुए आज जो वृद्धि हुई है तो स्थानों में करीब
3700 ज़्यादा वृद्धि हुई है 2020 की तुलना में। यानी पुराना कार्य तो स्थापित किया ही है, उससे थोड़े आगे बढ़े हैं। शाखाओं में संख्या 6160 बढ़ी है। साप्ताहिक मिलन संख्या 6543, ये करीब 30% राइज है। बाकी पहले जो बताया उसमें 10% राइज है। और संगम मंडली में 1680 संख्या बढ़ी है, ये करीब 20% राइज है। शाखा साप्ताहिक मिलन संगम मंडली को मिलाकर देश भर में 71,355 स्थानों पर संघ की रीच प्रत्यक्ष है। और एक वर्ष में संघ की शताब्दी कार्यकाल आरंभ होने के पहले यह रीच 1,00,000 तक पहुंचाने का संघ का संकल्प है। संघ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के वर्ग होते हैं। एक प्राथमिक शिक्षा वर्ग होता है, 7 दिन छुट्टी लेकर मोबाइल वहाँ जमा करते हुए पूर्ण साधना में समय लगाना, और 13 साल के ऊपर कैसे जो कार्यकर्ता स्वयं अपने खर्चे से वहाँ पर ₹21,137 है। अभी शिक्षा वर्ग 20 डेज ऐसे कैंप्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पूरे देश भर में साधारणतः 15 अप्रैल से आरंभ होंगे, जून अंत तक चलते हैं। इस साल करीब 109 ऐसे वर्ग होंगे 20 डेज के, जो लोग अपने कामकाज से, नौकरी से, काम धंधे से छुट्टी लेकर अपने खर्चे से वहाँ पहुँच कर वहाँ रहने का और अपने खाने का शुल्क देकर रहते हैं, शिक्षण प्राप्त करते हैं। करीब 20,000 ऐसे युवक इस वर्ष इस शिक्षा वर्ग में भाग लेंगे, ऐसा अंदाज है। जो करीब 68,651 शाखाएं देश भर में चल रही है, इन शाखाओं को भी 3 कैटेगरीज है। एक जिसमें केवल विद्यार्थी आते हैं, ऐसी विद्यार्थियों की शाखा 60% है। 40 साल के ऊपर आयु के प्रौढ़ स्वयंसेवकों की शाखा है 10% है, और बाकी 20 से 40 के बीच में जो विद्यार्थी नहीं है लेकिन कामकाज कर रहे, व्यवसाय कर रहे हैं, तो तैसे कमाने वालों की शाखा है 30% है। यानी कमाने वालों की शाखा करीब टोटल मिलाकर 40%, और छात्र विद्यार्थियों की शाखा 60% है। संघ ने अपनी सुविधा के अनुसार देश भर में 911 जिले बनाए हैं। राजकीय जेलों से भी छोटे जिले कई स्थान पर है। इस 911 जिलों में से 901 जिलों में संघ का प्रत्यक्ष कार्य करीब 99% होता है। जिनको डेवलपमेंट ब्लॉक या तहसील कहते हैं उनको हमारे यहाँ खंड कहते हैं। ऐसे 6663 ऐसे खंड है, उसमें करीब 88% खंडों में प्रत्यक्ष शाखा है। अभी 100% करने का संघ का प्रयास रहेगा। उसके नीचे 10-12 गांवों का समूह जिनको मंडल कहते हैं, ऐसे 59,326 मंडल सारे देश भर में है। तो इनमें से 26,498 मंडलों में प्रत्यक्ष शाखा, ये करीब 45% होता है। बाकी शेष मंडलों में इसी वर्ष प्रत्यक्ष शाखा शुरू करने का संकल्प हमारा सबका है। यह जो प्रतिवेदन आपको मिलेगा, इसमें संघ शाखा विस्तार के लिए, स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए और समाज के लोगों से मिलने के लिए क्या क्या काम हुए, उसके सारी जानकारी है। तो ये शाखा विस्तार करने वाले जो स्वयंसेवक होते हैं, वो अपने रोजी रोटी कामकाज में से समय निकालकर प्रवास करते हैं, नए स्थान पर जाते हैं,
यानी किस प्रकार के लोग काम करने वाले होते हैं। तो एक बार पैंडेमिक के पहले मैं विजयवाड़ा स्टेशन गया था, वहाँ से मुझे चेन्नई जाना था, तो प्लेटफॉर्म नंबर डिस्प्ले नहीं हुआ था, इसलिए मैं ब्रिज चढ़कर ऊपर खड़ा रहा और स्थानीय लोकल कार्यकर्ता प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए पूछताछ करने गया। वो जहाँ आएगा, जहाँ बताएगा, वहाँ मैं ब्रिज उतरूँगा। इतने में कूली ने मेरे लिए वहाँ पर कुर्सी ला कर दी, मैं बैठा और उसने अपना खुद का परिचय दिया कि विजयवाड़ा महानगर में एक नगर का वो नगर कार्यवाह है, संघ का पदाधिकारी है। लेकिन मैंने पूछा कि आपने मुझे कैसे पहचाना, उसका उत्तर था कि अभी इसी वर्ष मैंने नागपुर का तृतीय वर्ष वर्ग किया है, यानी कुली 25 दिन छुट्टी लेकर नागपुर के वर्ग में जाकर आया है। वहाँ उन्होंने कहा कि मैंने आपका बौद्धिक सुना था और आपने हमारी एक बैठक ली थी। यानी सब प्रकार के स्तर के कार्यकर्ता अपने कामकाज में समय निकाल कर जो संघ कार्य विस्तार के लिए काम करते हैं उसके बारे में काफ़ी जानकारी यहाँ पर है। संघ का शताब्दी वर्ष आरंभ होने से पहले संघ कार्य को सभी मंडलों तक पहुँचाने की दृष्टि से और कार्य के दृढ़ीकरण के दृष्टि से एक शताब्दी विस्तारक लोग निकले अपने कामकाज में से, पढ़ाई में से 2 साल समय देकर लोग काम करें। तो ऐसे अब तक अभी 1300 विस्तारक निकले हैं और करीब 1500 विस्तारक और निकलने की संभावना है। संघ कार्य 3 स्तर पर चलता है, एक कार्यकर्ता निर्माण, व्यक्ति निर्माण जो शाखा के माध्यम से होता है, एक समाज में राष्ट्रीय विचारों का जागरण करना और समाज को साथ लेकर समाज में परिवर्तन करना, सोशल रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो जो देश भर में ऐसे प्रमुख कार्य, उनकी जानकारी आपको यहाँ पर इस प्रतिवेदन में आपको पढ़ने को मिलेगी। जो संघ के बारे में नाम सुनते हैं, संघ को ढूंढते हैं, खोजते हैं, कहाँ मिलना, किसको मिलना पता नहीं है, ऐसे लोग संघ की वेबसाइट पर जॉइन RSS के माध्यम से अपने रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो 2017 से 2022 इन 6 वर्षों में कुल 7,25,000 रिक्वेस्ट आई है। एवरेज अगर पर ईयर 1,20,000 रिक्वेस्ट आ रही है। ये ज़्यादातर 20-35 एज के युवक होते हैं जो टेक सेवी होते हैं। इनमें 70% युवक समाज के लिए कोई सेवा करना चाहते, इसलिए संघ में जुड़ना चाहते, बाकी 30% के अन्य अन्य भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं। यह भी ध्यान में आया ऑब्जर्वेशन, जब कोई संघ का विरोध करने के लिए संघ के बारे में झूठे आरोप करते हैं, आजकल की पीढ़ी ऐसी है कि बड़ों की बात सीधी तो स्वीकार नहीं करते, तुरंत गूगल कर लेते हैं, चेक करते हैं। ये लोग फिर संघ को जानने के लिए, देखने के लिए संघ की वेबसाइट पर जाते हैं और संघ में जुड़ने की रिक्वेस्ट बढ़ती है, यह हमारा अनुभव है। अब ये वैसे प्रेस ब्रीफिंग है, इसलिए संघ को लेकर बाकी सारे जो प्रश्न आपके मन में होंगे वो आप 14 तारीख को माननीय सरकारी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उनके लिए आप सुरक्षित रखिए। इस बैठक में अभी एक प्रस्ताव पारित होगा, हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव तो कर रहे हैं, परंतु स्वाधीनता, स्वदेशी, स्वतंत्र, स्वावलंबन में जो स्व है, तो ये भारत के स्व के प्रकाश में भारत के विकास की नीतियाँ बने, इस भारत को स्व के प्रकाश में आगे बढ़ने के लिए समाज का इनिशिएटिव बढ़े, समाज का सहभाग बढ़े। तो ये स्व क्या है, उस दृष्टि से समाज ने क्या करना चाहिए, इसके बारे में आह्वान करने वाला एक प्रस्ताव यहाँ पर पारित होगा। उसके साथ साथ भगवान महावीर जी के महापरिनिर्वाण के 2550 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो उस निमित्त उनके जीवन संदेश और आज हमको उसमें से क्या सीख लेनी है, इसको लेकर एक स्टेटमेंट यहाँ पर जारी होगा।
स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो उनके जन्म को 200 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उस निमित्त तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन और उनका मैसेज इसको लेकर, और शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को अभी इस वर्ष 350 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो शिवाजी का राज्याभिषेक होना उस समय की कितनी महत्वपूर्ण घटना थी, उसको लेकर भी ऐसे तीन वक्तव्य यहाँ पर चर्चा होकर पारित होंगे। जैसे पारित होंगे आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। बैठक के बारे में कुछ अगर जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी अन्य महत्व की जिज्ञासा आप 14 के लिए रखिए। किस उम्र में जाता है और कितने दिन का होता है? प्रथम वर्ग होता है 15 से 40 आयु के लिए, 20 दिन का होता है। द्वितीय वर्ष भी कुछ न कुछ शाखा का दायित्व लेने वाले कार्यकर्ताओं के लिए 20 दिन का होता है, वो करीब 17-18 से लेकर 40 तक होता है। और तृतीय वर्ष होता है एक जिला स्तर का दायित्व जिनके पास ऐसे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के लिए होता है, ये करीब 20-40 ऐसे होते हैं। सभी स्तरों पर 40 प्लस लोगों के लिए भी स्पेशल वर्ग होते हैं, वो भी 20-25 दिन के होते हैं। हाँ, इनसे पहले होता है, इनसे पहले होता है। धन्यवाद। हाँ, और उसमें प्रथम वर्ष के वर्ग प्रांतशाह होते, प्रांत में एक दो भी होते हैं। द्वितीय वर्ष के वर्ग क्षेत्रशाह जोन वाइज होते हैं, इस बार 13 होने वाले हैं। और तृतीय वर्ष का वर्ग केवल नागपुर में एक ही होता है। सर, इस बार जो बैठक हो रही है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की, इसमें बहुत सारे संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है, किन बिंदुओं पे उनके साथ चर्चा होगी? और संगठनों की अगर हम बात करें, अलग अलग संगठनों के अलग अलग उनकी परेशानियां भी हैं, बहुत सारे अलग अलग उनके आंदोलन भी चलते हैं, उनको परेशानी भी बहुत सारी आती, क्या उन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी और कितने संगठन इसमें नहीं होगी? संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों में कार्यरत है, ऐसे करीब 35 संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर आते हैं, तो संघ के वैचारिक आंदोलन का भाग है वो, इसलिए यहाँ पर आते हैं, या उनको अपने संगठन की जानकारी देने का केवल यहाँ पर थोड़ा समय मिलेगा, एक संगठन को शायद 4-5 मिनट केवल समय मिलेगा, बाकी क्या चर्चा हो रही है वगैरह उसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चर्चा सुन सकते हैं, उसके लिए आते हैं। सर, ग्राम विकास केंद्र में युवाओं के लिए रोजगार के प्रति कोई बताना होगा कि किस उम्र में किस कितनी उसने शिक्षा ग्रहण की है और उसको आगे क्या करना चाहिए, किसानों के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए कोई हमारे से कल भी लोगों ने प्रश्न पूछा था, तो हमने कहा भी आपसे पूछ के बताएंगे। सभी के लोग, आप सारे देश में नौकरी मांगने वाले नहीं, तो नौकरी देने वाला, एंटरप्रेन्योरशिप, स्वदेशी सहकारिता, इन तीन मुद्दों पर स्वरोजगार का एक अभियान चल पड़ा है, इसकी संख्या बढ़ रही है। तो पढ़ाई पूर्ण होने बाकी, किसने कितना पढ़ना वो स्वयं व्यक्ति तय करेगा, अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद कहीं जॉब मांगने के बदले मैं स्वयं कुछ उद्योग शुरू करूँगा, तो ऐसे लोगों के लिए प्रोत्साहन देना, ट्रेनिंग देना, सपोर्ट करना, यह काम स्थान स्तर पर चल रहा है। विशेषतः स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से उनके साथ अनेक संगठन जुड़े हैं, यह काम खूब अच्छा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप सबका धन्यवाद। अभी 7 दिन के बाद, हाँ, छोटा सा सवाल, लास्ट प्रश्न, ये आपने सर आंकड़े बहुत सारे बताए हैं, क्या वो रिटर्न में मिल जाएगा हमें? हाँ, मिलेगा, शाखा वाला मिलेगा, कंपैरिजन नहीं मिलेगा तो प्रचार विभाग आपको दे देगा, आप मांगेंगे। जैसे आपने बताया कि 20 के बाद इतने बढ़ गए, हाँ वो देंगे। तो केरल में है अभी, तो केरल में, तो 7 दिन के बाद आने वाले हिंदू नववर्ष के निमित्त आप सबको हार्दिक बधाई, हर शुभेच्छा। छोड़ दो, कंपेयर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है हरियाणा, अच्छा स्पोर्ट्समैन लोग हैं बहुत सारे। सर, एक सवाल, हाँ, शाखा में महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ, विचार हो रहा है, और कम से कम प्रबोधनात्मक कार्यक्रम उनका सहभाग हो, इस प्रकार का विचार चल रहा है,
या इस बैठक के बाद आपको सरकार इसके बारे में जानकारी देंगे।